हिंदी दिवस का ये कार्यक्रम देश में हिंदी को बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है, लेकिन इस विषय में एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक विदेशी संस्था देश में हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए आ रही है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण शोचनीय विषय है। और अहम चीज है कि हिंदी को हम कहां पे बढ़ा रहे हैं, हिंदी को किस क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं। आज सम्मेलन, सेमिनार, गोष्ठियां, कॉन्क्लेव करके तो हिंदी बढ़ती नहीं है। हिंदी को बढ़ाना है तो हमारे देश में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इनके इंटरव्यू में कहीं इस चीज की व्यवस्था नहीं है कि आपको हिंदी में इंटरव्यू देना है कि इंग्लिश में देना है। उसके लिए पहल की जाए, आईआईएम्स में पहल की जाए कि यहां इंटरव्यू जो बच्चे हैं वो इस विषय से डर जाते कि हमको इंटरव्यू में अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। इस चीज का एक माहौल बनाने के लिए देश में एक व्यवहारिक प्रयास के लिए जरूरी है कि हम देश के अंदर, संसद के अंदर इस बात को पहुंचाएं कि देश की प्रमुख नौकरियों में आईआईएम, आईआईएम और आईएएस, आईपीएस, पीसीएस इन सारे एग्जाम्स में इंटरव्यू के दौरान हमको हिंदी में बातचीत करने का मौका दिया जाए, उसमें उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उसमें इस चीज की व्यवस्था की जाए। 95% तो वैसे भी डिमोडलाइज हो जाता है कि वहां इंटरव्यू इंग्लिश में होगा इसलिए मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। तो इस देश में हिंदी को बढ़ाने का मतलब अंग्रेजी को कम करना नहीं है, लेकिन मेरी देश में सारे स्वयंसेवी संगठनों से और भाषा के जो संस्थान है एक अनुरोध है कि हिंदी और अंग्रेजी को परस्पर रूप से बढ़ाया जाए। हमारा हिंदी को बढ़ाने के पीछे ये उद्देश्य गलत होगा, देश के साथ हमारे युवाओं के साथ विश्वासघात होगा, उनको गलत दिशा देना होगा कि हिंदी पढ़िए अंग्रेजी मत पढ़िए। हिंदी में उतनी ही कार्य कुशलता रखिए कि जितनी आपको अंग्रेजी में रखनी है, क्योंकि देश में आपको आगे बढ़ना है। उतनी ही पकड़ मजबूत हिंदी पर बनाइए जितनी अंग्रेजी पर बनाइए, तब मेरे देश का युवा और नौजवान हर उस नौकरी में पहुंचेगा जहां पर आदमी जिंदगी के पहले दिन से ख्वाब देखता है। एक्सटेम्पोर नॉलेज ऑन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ये बहुत जरूरी है हमारे देश के युवाओं को कम्युनिकेट करने के लिए और उनके बीच में इस बात की धारणा बताने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए।